गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली जो ऑलमोस्ट हर बाइकर का ड्रीम होता है वो आज हमारा पूरा होने जा रहा है। हाँ, हम जा रहे हैं लद्दाख, और वो भी गुवाहाटी से। तो बने रहिए वीडियो में पूरा, ये सीरीज़ पूरा देखिए, आपको पक्का मज़ा आएगा। अब बस हम ये सब पहन के निकलना है और फिर हम मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग पर। तो बाइक हमारी रेडी है निकलने के लिए और ट्रिप हमने जीरो कर दिया है, ये देखिए। और ऑटो में शो हो रहा है लगभग 12,801। देखते हैं वापस आके कितना होता है। ये बाइक रेडी है, लगेज भी रेडी है, बस हमें बैठना है, निकलना है। तो फाइनली हमारी राइड जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी लगभग टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं अभी। श्री गणेशाय नमः। एक बार हाथ जोड़ लो बस, फिर निकलता है। जय माँ कामाख्या। बस आप कृपा बनाए रखिएगा ताकि हमारा राइड सक्सेसफुल हो। तो अब गुवाहाटी को बाय-बाय कहने का वक्त आ गया है। मिलेंगे गुवाहाटी से फिर से 15-16 दिन बाद। ग्लव्स पहन लेते हैं, अब काम आएगा ये। चार 50 हो ही गया, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज ही गया है। ठीक है, 5 बजे शुरू करेंगे, देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। अच्छा, डेस्टिनेशन तो कोई एग्जैक्टली रखा नहीं है हमने, बस निकल लिए हैं। कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं, आज का हॉल्ट कहाँ होता है। तब गोलू को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। आगे तक नहीं, तुम सीधा दिल्ली में मिलो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलता है। मैं क्यों बता रहा है, हम नहीं है। तो तू है, तुझे पता नहीं तू है। ऐसे लाइन सिलीगुड़ी यहाँ से 476 किलोमीटर। हमारा प्लान है कि सिलीगुड़ी जाके हम लोग लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट तो हम लोग का करने का कोई प्लान नहीं है, चाय ऑलरेडी हम लोग घर से पी के ही निकले हैं। बाइक रिफिल हमने कल ही कर लिया था क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था हमने निकलना है सुबह, तो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ करा के रखे थे। वैसे ब्लॉगिंग का हैबिट है नहीं मुझे, पर इस बार सिर्फ लद्दाख के लिए मैंने इसमें बाइक सेटअप किया गोप्रो में, तो अगर कुछ गलती होगा तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा प्रैक्टिस ब्लॉग है, समझ लीजिए आप लोग। अभी फिलहाल मैं प्रैक्टिस में हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब से बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि तुम थोड़ा बोला करो, मगर मैंने माइक सेटअप किया नहीं था, उस चक्कर में मैं बोल नहीं सकता था। जहाँ रुकता था सिर्फ वही बोलता था, मगर इस बार मैंने माइक सेटअप कर लिया है। अब देखते हैं कैसा बनता है ब्लॉग, और ऑडियो कैसा आ रहा है वो भी पता नहीं। एक बार तो मैंने चेकअप किया था इसका, ऑडियो अच्छा आ रहा था, पता नहीं अभी कैसा आ रहा है। तो ये हमारा ट्रिप का पहला टोल गेट जो कि हम पे नहीं करने वाले, मगर कुछ दिन बाद पे करना पड़ेगा हमें, शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वे में जाएंगे तो वहाँ बाइकर्स को भी टोल देना पड़ता है। जाएंगे माउंटेन्स टू माउंटेन, लोग जाते हैं प्लेन सरफेस से लेके माउंटेन, हम जाएंगे माउंटेन्स टू माउंटेन।
कि ट्रक का बहुत पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, दो ट्रक पलटी खा गया। सिलीगुड़ी 270 सिद्धार्थपुर 92 बोगाई गाँव 10 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके हमको लेफ्ट टर्न बोगाई गाँव की तरफ की तरफ, ये जो सीधा रूट जा रहा है वो जाएगा ग्वालपट की तरफ। तो अभी फिलहाल रुके हमें श्रीरामपुर बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर चाय पीने के लिए, तो चाय पीते और मिलते हैं सबको मोटो ब्लॉग। मैंने सबका इंट्रो भी कराया, तो यूँ जो बाइक जो अपाची से आ रहा है, ट्रिटन चला रहा है उसका नाम है अभिषेक, और जो आगे हिमालयन चला रहा है वो है मेरा बड़ा भाई जिसका नाम है विकास गुप्ता, और जो हिमालयन का जो ओनर है वो हमें दिल्ली से ज्वाइन करेगा, जिसे आपने देखा है सरायगढ़ ब्रिज पे, जिसका नाम है नितेश ओझा। तो अभी ऐसे 30 किलोमीटर डाइवर्जन मिलते रहेगा हमें जब तक बॉर्डर आएगा नहीं, यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, तो बार बार डाइवर्जन इसमें और ऊपर से ऑफ रोडिंग भी है पूरा। बॉर्डर मिलने के बाद फिर रास्ता सही है, लगभग बॉर्डर यहाँ से और है लगभग 28-30 किलोमीटर है, ये रास्ता बहुत दिन से ख़राब है। असली का ख़राब तो बहुत पीछे से था पैच, लगभग 80 किलोमीटर का पैच ख़राब था, मेरा अभी काफ़ी बन गया, 50 किलोमीटर तक बन गया है, 30 किलोमीटर तक वैसा ही है। तो राइड करते हुए लगभग हो गए 4 घंटे, और हम लोगों ने अब तक कवर किया है 266 किलोमीटर, मतलब एवरेज अच्छा ही है, लगभग 63-64 का एवरेज है। वेलकम टू वेस्ट बंगाल, WBP ट्रैफिक, वेस्ट बंगाल पुलिस। ये रास्ते में चलाने का मज़ा ही अलग है, दोनों तरफ पेड़ है पूरा, अपने मतलब जंगल के बीच से जा रहे हैं, मगर सिर्फ दिन में, जितना दिन में जितना सुंदर लगता है ना, रात में उतना डरावना भी है। ये जंगल देखिए कितना बड़ा इलाका में फैला हुआ है, जहाँ तक आपकी आँख जा रही है ये जंगल उतना दूर है, बहुत घना जंगल है। तो अभी रिफ्यूल कराया हम लोगों ने, टोटल आया 1030 का पेट्रोल, और किलोमीटर चला है 331.4। अभी मौसम तो फिलहाल काफ़ी बढ़िया है, अगर मौसम अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किलोमीटर हम लोग खींच पाएंगे आज, तो जितना किलोमीटर हमारा आज ज़्यादा खींचेंगे उतना हमारा कल के लिए मतलब मेकअप हो जाएगा उसमें, तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। फिलहाल कोई सोचा तो नहीं है कुछ, मगर अभी सिलीगुड़ी में एक होल्ड लेंगे थोड़ा देर का, लगभग हाफ एन आवर का, वहाँ खाना वाना खा के लंच करके आराम से फिर निकलेंगे वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गूगल के हिसाब से अभी हमें स्टेट हाईवे 12 में लगभग 109 किलोमीटर और चलाना है, उसके बाद हमें मिलेगा NH27, जो कि लगभग NH27 हमें दिल्ली तक कनेक्ट करेगा, वो जो हाईवे है वो लखनऊ तक कनेक्ट करेगा, फिर वहाँ से एक्सप्रेस वे हमें दिल्ली पहुँचाएगा, और हम लोग हाईवे से डिटूर भी नहीं होंगे। लास्ट टाइम गूगल मैप यूज़ किया था हमने, हाईवे से डिटूर होकर बहुत टाइम वेस्ट हुआ था हमारा, इस बार वो नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा जाएंगे मगर हाईवे से डिटूर नहीं होंगे। तो राइडिंग का यही फ़न है, आपको अनजान लोग मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक है भाई बाय, हाँ थैंक यू, आपसे बात करते हैं, और यही मज़ा है मेन, लोग आपको मतलब अप्रिसिएट करते हैं कि आप इतनी दूर से आए राइड करते हुए, तो अच्छा लगता है, मतलब जो इतने दूर आए जो थकान है ना वो थकान मिट जाता है। पीछे तो पूरा जंगल था, मगर यहाँ में पूरा चाय बागान बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, वहाँ क्या था लियोपर्ड हेड, ड्राइव स्लो लियोपर्ड हेड, उसे दिन में आना ठीक है मगर रात थोड़ा रिस्की है, खास करके बाइक में। यहाँ से डाइवर्जन और यहाँ से 4 लेन स्टार्ट, अब भगा पाएंगे थोड़ा,
कब से ये रास्ता का वेट कर रहे थे हम लोग, सिंगल लेन में चला चला के हालत खराब हो गया। इतना जाम है, इतना ट्रक्स है ना, अब लगता है हम लोग शायद एक बजे से पहले ही पहुँच जाएंगे और ये रास्ता पूरा रहा। फाइनली हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं NH-27 में, लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए आप लोग 8 घंटे में, 8 घंटा भी पूरा नहीं है, 60 घंटा 50 मिनट हुआ है, हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए। 462 किलोमीटर सिलीगुड़ी ना गुवाहाटी से। राइट साइड सिलीगुड़ी, लेफ्ट साइड बागडोगरा, हम लोग जाएंगे बागडोगरा की ओर। तो हम लोग अभी जाएंगे बागडोगरा होके, हम लोग सीधा एसी रामे को छोड़ के हम लोग NH-27 पर कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये जो ब्रिज है ये सीधा खत्म होने के कुछ देर बाद ये सिंगल लेन हो जाता है और हम लोग मतलब थोड़ा लंबा रूट लेंगे, मगर वो सीधा 4 लेन रहेगा, वो आपका किशनगंज होके निकालेगा, किशनगंज पूर्णिया मोड़ जो है वहाँ से होके निकालेगा अररिया, मगर ये जाएगा बहादुरगंज ठाकुरगंज होके, जो कि रास्ता थोड़ा ख़राब है और सिंगल लेन भी है ऊपर से, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उससे बढ़िया हम लोग 4 लेन की तरफ जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए ये जगह, यहाँ से सीधा जाता है आपका ठाकुरगंज होके और यहाँ लेफ्ट साइड बागडोगरा होके हम लोग निकल सकते हैं। यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ब्रिज से लेफ्ट कट के बस आपको लगभग आपको 5 मिनट का बस ऑफ रोडिंग मिलेगा, उसके बाद बस ये रास्ता। और आप अगर उधर से जाते हैं तो आपको पूरा सिंगल लेन मिलता है, वो भी बीच बीच में ख़राब, और डाइवर्जन भी काफ़ी है उसमें, क्योंकि वहाँ एक दो पुल टूटा हुआ है, उसके लिए आपको डाइवर्जन करके आना पड़ेगा। किशनगंज 92, पूर्णिया 172। तो अभी टोटल हम लोग ने 486 किलोमीटर चला लिया है और अभी रुके हैं यहाँ खाने के लिए। लगभग ये हमारा पहला ब्रेक ही है खाने का, अभी तक कुछ खाया नहीं था, सिर्फ सुबह का जो चाय पिया था वही ब्रेक था, और एक पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरा है बस वही। तो यहाँ से खाने के बाद फिर निकलते हैं, आपको मिलते हैं और सबसे मोटो पंप। तो खाना खा के निकल चुके हैं हम लोग, लगभग 45 या 50 मिनट्स का होल्ड हुआ अभी, अच्छा से खा लिया हम लोगों ने। हाँ किसी का थोड़ा मुश्किल होगा, 4 बजे तक पहुँच जाएगा, 3 बजे तक पहुँच जाएगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। गोवा माता बीच में मत आइए। तो फिलहाल मैंने ग्लव्स खोल दिया क्योंकि गर्मी बहुत है, अब गर्मी सहन नहीं हो रहा है, थोड़ा देर बिना ग्लव्स का चलाते हैं, ऐसे भी शाम हो जाएगा कुछ देर में, फिर वापस पहन लेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना है, फिर ब्रिज के नीचे होते हुए ब्रिज के साथ हमें जाना है। इस्लामपुर 48, किशनगंज 78। तो इस जगह का नाम है इस्लामपुर और इस जगह बहुत रश है, बहुत, कब से हम लोग मतलब पूरा जाम ही लगा हुआ है यहाँ में, इधर उधर इधर उधर, और आदमी कोई देख नहीं रहा है, कोई इधर से निकल जा रहा है, कभी उधर से निकल जा रहा है, कोई रूल्स नहीं है यहाँ में।
तो यहाँ बिहार बॉर्डर से पहले रुके हम यहाँ गन्ना पीने के लिए, तो गन्ना पीता है फिर निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिहार, ये देखिए किशनगंज पुलिस, हमारा आज का दिन का ये तीसरा स्टेट। पहले आसाम क्रॉस किया हम लोगों ने, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर आ चुके अब हम बिहार। बिहार में आपका स्वागत है। दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली दिल्ली। फोर लेन हो जाएगा। ये देखो बस वाला कहाँ डाल रहा है भाई, रुक जाओ, हम लोग को भी जाने का जगह दे दो, हम लोग भी रोड टैक्स भरा है। रेलवे स्टेशन तो प्लेटफॉर्म तो यहीं से दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो तो हम लोग गुलाबा पॉइंट पहुंच चुके हैं, इस राउंड से हमें जाना है राइट की ओर, ये सीधा लेके जाएगा हमें अडरिया की तरफ। तो सन तो सेट हो चुका है अभी अभी, और तो कुछ दिखाने लायक कुछ होगा नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर से फ्यूल अप कराने का टाइम आ चुका है। मुजफ्फरपुर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर ही है, तो आज का स्टे हम लोग वहीं का सोच रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये बिहार में हमारा स्वागत हो रहा है फोटो लेके, ये देखिए। तो देखिए इतने लोग इकट्ठा हो गए हमारे लिए, सिर्फ हमें देखने के लिए, यही है खुशी राइडिंग का। सब लोग हाय बोल दो एक बार, बाय बाय, चलो। तो दरभंगा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, तो हम सोच रहे हैं कि डिनर दरभंगा में करें और फिर नाइट स्टे जाके आराम से मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में जहाँ हम लोग बैठेंगे डिनर के लिए, वहाँ हम लोग आराम से होटल वगैरह बुक कर लेंगे मुजफ्फरपुर के लिए, फिर आराम से निकलेंगे। चलिए देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, दरभंगा में तो रुकेंगे वरना सीधा मुजफ्फरपुर ही जाएंगे। होटल ढूंढने में लगभग 11:40 हो चुका है और हम लोग रुके हैं इस होटल में, होटल आर्यन रेसिडेंसी, देख लीजिए आपको। यहाँ हमारा रूम का रेंट पड़ा लगभग 1500, तीन जन का 1500 मतलब पड़े 500, ठीक ही है। तो ब्लॉगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, बाय बाय।